हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के संरक्षक साकिर अली सलमानी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने वार्ड नंबर 64 चकसा हुसैन नूरी मस्जिद के सामने सड़क और नाली निर्माण कराने की मांग को लेकर एडिशनल कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा, जिसके संबंध में हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के संरक्षक साकिर अली सलमानी ने बताया कि अहमदनगर चकसा हुसैन वार्ड नंबर 64 नूरी मस्जिद के सामने की सड़क और नाली जर्जर हो चुकी है और लगभग 10 सालों से जल भराव की समस्या से वहाँ के नागरिक जूझ रहे हैं तथा जल निकासी की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है, जिससे रोड क्षतिग्रस्त हो गया है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि सड़क की मरम्मत कराकर तत्काल आने जाने लायक बना दिया जाए, जिससे कि वहां के नागरिकों को आने जाने में किसी तरह की समस्या ना हो तथा आने वाले दिनों में पक्का सड़क व नाली बनाने के लिए नगर निगम को निर्देश दिया जाए। इस अवसर पर इरशाद अहमद सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कमेटी के संरक्षक साकिर अली सलमानी ने कहा, अहमदनगर का विकास करो, विकास करो, विकास करो, अहमदनगर के रोड नाली का निर्माण करो, निर्माण करो, निर्माण करो, अहमदनगर का विकास करो, विकास करो, विकास करो, अहमदनगर का निर्माण करो, निर्माण करो, निर्माण करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, अहमदनगर का विकास करो, मांगे पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे अहमदनगर चकसा हुसैन वार्ड नंबर 64 के रोड नाली के निर्माण को लेकर अकबरी मस्जिद के पास नमाजियों को बहुत दिक्कत है, इसलिए आज हम लोग कमिश्नर कार्यालय पर आए कमिश्नर महोदय को ज्ञापन देने। कमिश्नर साहब के गैर मौजूदगी में हम यहाँ पर ज्ञापन दे रहे हैं। आप एडिशनल कमिश्नर साहब हमारे हैं, आप ज्ञापन ले रहे हैं और हम लोगों की मांग ये है कि तत्काल प्रभाव से अहमदनगर चकसा हुसैन में अकबरी मस्जिद के पास जो पानी लगा हुआ है, रोड की जो समस्या है, कम से कम मलबा गिरा के तत्काल प्रभाव से दुरुस्त किया जाए और जो और प्रक्रिया रोड बनाने की उसको शुरू किया जाए, क्योंकि आगे हम लोग भूख हड़ताल पे बैठने वाले हैं। साकिर अली सलमानी, संरक्षक हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी गोरखपुर। आज हम लोग हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के बैनर तले और इमामबाड़ा स्टेट मुतवलियान कमेटी के सैयद इरशाद अहमद के नेतृत्व में आज हम लोग आए, रईस अहमद युवा नेता, सारे लोग अकबरी जामा मस्जिद अहमदनगर चकसा हुसैन वार्ड नंबर 64 में अकबरी मस्जिद के सामने बहुत ज़्यादा पानी कीचड़ लगा हुआ है, रोड का निर्माण हो नहीं रहा है, नगर आयुक्त मेयर को बार बार धरना ज्ञापन देने के बावजूद ये लोग अभी तक आए नहीं। हम लोगों के हालात को देखने कि कैसे हमारे बच्चे जी रहे हैं इस कीचड़ पानी में, इसलिए ईद उल अज़हा बकरीद का त्यौहार करीब आ गया है, अब 21 तारीख को ईद उल अज़हा बकरीद का त्यौहार है, कैसे हम लोग मनाएंगे उस नाली कीचड़ में? कम से कम रोड तो सही करा दें, नगर आयुक्त नहीं आ रहे हैं, मेयर नहीं आ रहे हैं, मुख्यमंत्री का शहर है, इसलिए गुजारिश है कि जल्द से जल्द इस कार्य को किया जाए, नहीं तो हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे, मजबूर हैं अहमदनगर वासी।